8:30 हो गए, सुबह 12 बजे से लेकर के 8:30 बज गए। काम भी लेकिन वैसा ही हुआ है। सारे सिनेमैटिक शॉट्स में तो आप देख ही चुके होंगे कि किस तरह का काम करा है हमने अपनी गाड़ी में। अपनी डिसेप्टिकॉन रेडी है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और अभी मैं हूँ AM एंटरप्राइजेस में। आपको मेरे पीछे जो सारा नज़ारा दिख रहा है इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे। और अपनी नेक्सॉन भी वहाँ पे खड़ी है। मैं गाड़ी में कुछ काम करवा रहा हूँ। मेरे घर के पास एक बहुत ही अच्छा शॉप है जहाँ पर कार के सारे एसेसरीज़ और कई सारी ग्राफिक्स के काम भी होते हैं। तो थोड़ा बहुत अपने कार को मॉडिफाई करा रहा हूँ। और इस व्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने अपनी नेक्सॉन पर ऐसे क्या क्या काम करवाए हैं जो अगर आप भी नेक्सॉन ओन करते हैं तो आप भी करवा सकते हैं गाड़ी पर। देखते रहिए ये पूरा व्लॉग, आप लोगों को हर एक चीज़ दिखाऊंगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। चलो चलते हैं। तो अगर आप यहाँ देखो तो अभी हम लोग फ्रंट स्क्रीन का काम करवा रहे हैं। नेक्सॉन में जो बेसिक मॉडल होता है उसमें सामने सिंपल हार्मन का एक पैनल आता है जिसमें आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर चेंज करवाएंगे। टच स्क्रीन लगवा रहे हैं, वो चीज़ होगी। और साथ ही साथ सीट कवर्स चेंज होंगे। का जो लुक एंड फील है, अगर आप देखो ये जो ऑरेंज एक्सेंट्स है हमारे गाड़ी में, ये जैसे ऑरेंज एक्सेंट्स है, तो ये सारे ऑरेंज एक्सेंट्स को ध्यान में रख कर के ही हम अपने गाड़ी में सारा इंटीरियर का काम करवाने वाले हैं। अपने सलमान भाई जो अपना ग्राफिक्स का काम है ना, पूरा ग्राफिक्स का काम सलमान भाई टेक केयर करते हैं। तो वो अभी अपना ग्राफिक्स रेडी कर रहे हैं जो अपनी गाड़ी के साइड में लगेगा। जब पूरा तैयार हो जाएगा ना तब देखना एकदम चकाचक लगने वाला है। बहुत मेहनत का काम होता है ग्राफिक्स। जो बेस वेरिएंट नेक्सॉन है इसमें फॉग लाइट नहीं था, और जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि मैं अभी ट्रैवल करने वाला हूँ वीकेंड में, सो इसमें मैं फॉग लाइट लगा रहा हूँ। तो अबरार भाई अपना फॉग लाइट का फिटिंग कर रहे हैं अभी, और एक बार फॉग लाइट लग गया तो आपको फाइनल आउटपुट दिखाऊंगा इसका। कार में जो रिफ्लेक्टर रहता है वो रिफ्लेक्टर, इसको क्या मैट्रिक्स बोलते हैं ना, रिफ्लेक्टर बोलते हैं, वो मैट्रिक्स आगे उसका ब्रांड है। बट ये रिफ्लेक्टर ही है, बट जिसमें आप
ब्रेक जब दबाएंगे तो ब्रेक लाइट भी चलेगा, तो ये एक चीज़ है जो नॉर्मल रिफ्लेक्टर्स में नहीं रहती, तो ये भी एक चीज़ मैंने फिक्स कराई है। सीट कवर भी आ गया है अपना, जो आर्म रेस्ट है, ये आर्म रेस्ट को भी अपन ने पूरा का पूरा काम करवाया है इसमें, सेम ऑरेंज कलर, जो अभी पूरी गाड़ी में ऑरेंज हो रहा है वो पूरा का पूरा ऑरेंज इंटीरियर में भी हुआ है अपने। गाड़ी का इंटीरियर ऑलमोस्ट डन है, मैं अभी एक छोटा सा वॉक थ्रू दिखाता हूँ। तो ये स्टीयरिंग हो गया, ये अपना डैशबोर्ड का स्क्रीन हो गया, और ये हो गया अपना सीट कवर। आया ना एकदम अमेजिंग लग रहा है। सो ये हो गया इंटीरियर का काम, जो डिकैल लगाया है बैक साइड पे, ये डिकैल आपको जो दिखाई दे रहा है वो पूरा डिकैल, और ये लाइट तो आप देख ही चुके हो। इवन सामने भी हमने वाइट कलर की LEDs लगाई है अभी हेडलाइट में, पहले बल्ब या हेलोजन या क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, तो हमने यहाँ पर दोनों में LEDs भी लगवा दी है, और यहाँ सामने छोटा सा ऑरेंज कलर का डिकैल भी हो गया। सलमान अभी ये X रेडी कर रहा है, जो कि नेक्सॉन के लोगों का जो X होता है NEX, वो तैयार हो रहा है अभी। साढ़े आठ हो गए, सुबह 12 बजे से लेकर के 8:30 बज गए, काम भी लेकिन वैसा ही हुआ है। सारे सिनेमैटिक शॉट्स में तो आप देख ही चुके होंगे कि किस तरह का काम कराया है हमने अपनी गाड़ी में, अपनी डिसेप्टिकॉन रेडी है। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा यार, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, और वो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी अदर व्लॉग में या वीडियो के साथ, बने रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए हमारे कंटेंट। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड स्प्रेड द लव। देखते हैं अपने डिसेप्टिकॉन को। को क्या करना, सब्सक्राइब करना बस, और कुछ नहीं, नाम याद रखना।